हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल भिवार टेक्निकल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी बातें जो कि आपके स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ को जो है बढ़ा सकती है। वो 10 कौन सी बातें इस वीडियो में आप बात करेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करें तो वो 10 बातें बताने से पहले मैं बैटरी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। यानी कि बैटरी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्मार्टफोन के अंदर। अगर बैटरी नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है आपका स्मार्टफोन, मतलब काम ही नहीं करेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो बैटरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्मार्टफोन के अंदर। अगर आप स्मार्टफोन लेते हो और 6-7 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाते हैं, तो उसकी बैटरी लाइफ जो है कम होना शुरू हो जाती है। तो क्यों होती है? अगर आपका यूज़ हेवी है या फिर आप अगर अच्छी तरीके से चार्ज नहीं करते हो या फिर कोई भी अगर गलती करते हो, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ जो है कम हो जाती है स्मार्टफोन की। तो कौन सा भी रीज़न हो सकता है आपकी बैटरी लाइफ को कम करने का? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो उसका अगर ख्याल रखोगे तो आपको बैटरी लाइफ जो है अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। तो 10 कौन सी चीज़ें हैं अभी हम बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगर आपकी बैटरी 0% है, अगर नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि 0% ही बैटरी रह चुकी है मोबाइल के अंदर, या फिर 1% है या फिर 2% है, तो उसी समय हम चार्जिंग पे लगा देते हैं फ़ोन को, जो कि गलत बात है। आपको तभी चार्जिंग पे लगाना चाहिए जबकि आपकी बैटरी 20% रहती है तब। और सभी के फ़ोन जो होते हैं आजकल के फ़ोन जितने भी है, अगर 20% बैटरी हो जाती है तो नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई 20% बैटरी है, 18% बैटरी रह चुकी है, 20-18%, तो जल्दी से चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। तो तभी आपको फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देना चाहिए। अगर उससे कम में अगर आप लगाते हो 10%, 5%, 2% पे, तो वो गलत चीज़ है, तो वो जो है आपके बैटरी को नुकसान दे सकता है। तो जब भी 20% का नोटिफिकेशन आए तभी फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, ओवर चार्ज। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात भर फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं और सुबह उठ के देखते हैं अभी तो चार्ज हो गया, जो कि काफ़ी गलत बात है। ओवर चार्ज कभी भी आपके स्मार्टफोन को आपको नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है, आपका जो बैटरी लाइफ है आपका फ़ोन का, वो बहुत ही जल्दी तरीके से, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से जो है ड्रॉप होना शुरू कर देता है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोन लेते नया और बाद में बोलते हैं कि मेरा जो बैटरी बैकअप है बहुत कम दे रहा है, गाइज कैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यही रीज़न होता है ओवर चार्ज करने की वजह से, और रात भर चार्ज करने की वजह से जो है आपका बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाता है। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जो कि 90 मिनट के अंदर ही चार्ज हो जाते हैं या फिर उससे ही कम वक्त में ही चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर आता है, तो उससे भी कम में आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवर चार्ज करते हो तो वो गलत है, तो उसे अभी के अभी रोक दीजिएगा। रात भर आपको फ़ोन को चार्ज पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, और ये जो चीज़ है सभी लोग करते होंगे, लगभग सभी लोग ही करते होंगे, अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज करना, जो कि काफ़ी गलत बात है। हर बार 100% तक चार्ज करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपके फ़ोन के बैटरीज को आपको हेल्दी रखना है, 80% या फिर 90% जब बैटरी चार्ज हो जाती है तभी आपको चार्जिंग को बंद कर देना चाहिए। 100% हर बार चार्ज करना अच्छी बात नहीं है। 80-90% या फिर 90% ले लो चार्ज, अगर हो जाए फ़ोन तो उसे चार्जिंग से हटा दीजिएगा और फिर यूज़ करिएगा। उसके वजह से क्या होगा, आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी। अगर आपको बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते गाइस। तो चलिए अभी हम बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, स्लो चार्जिंग या फिर लो वोल्टेज चार्जिंग अडेप्टर अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे क्यों, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपना फ़ोन फास्ट चार्जिंग अडेप्टर से अगर चार्ज करते हो, जो कि हर फ़ोन अभी जो भी फ़ोन आ रहा है मार्केट में उसके साथ फास्ट चार्जिंग अडेप्टर तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, 65 वाट, 60 वाट, पता नहीं बहुत कुछ। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट चार्जर से ही अपना फ़ोन को चार्ज कीजिएगा। अगर आपके पास 5 वाट का अगर चार्जर है तो उससे भी आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, इसलिए उससे फ़ोन जो है स्लोली स्लोली चार्ज होगा, लेकिन आपका फ़ायदा रहेगा आपकी बैटरी लाइफ में, स्लोली चार्ज होगा और आपको जो बैटरी बैकअप जो है ना वो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों के ना वही रोक देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। अगर आप 5 वाट का चार्जर अगर इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, कुछ दिन के लिए यूज़ कीजिएगा, तब बाद में आप अपना फास्ट चार्जर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी बैटरी बैकअप बचानी है तो ये तरीके आपको आजमाने ही पड़ेंगे गाइस। तो चलिए अभी बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में, पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड के बारे में लोगों को काफ़ी गलत फहमी है। पावर सेविंग मोड का मतलब ये समझते हैं कि अगर हमारी बैटरी जो है कम हो जाए, 20% 10% हो जाए,
तभी हमें पावर सेविंग मोड को जो है ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपके फोन में आप गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो या फिर सीरियसली मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे अगर नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा बैटरी बैकअप वही रहे यानी कि मेरी चार्जिंग वही रहे, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसी समय पावर सेविंग मोड को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी बैटरी जो है बचना शुरू हो जाएंगी और आपको जो बैकअप जो है बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो पावर सेविंग मोड इसके लिए नहीं होता है कि अगर बैटरी कम हो जाए तभी उसको ऑन कर देना चाहिए, तभी हमारी बैटरी बच जाएंगी। उसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो अपने बैटरी लाइफ को बचाने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं 6 चीज़ के बारे में, डिसेबल वाईफाई और ब्लूटूथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाईफाई और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन ही रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ जो है काफ़ी जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाती है और आपका बैटरी बैकअप आपको बहुत ही घटिया दिखने के लिए मिल जाता है। अगर वाईफाई और ब्लूटूथ का अगर काम नहीं है तो उसको बंद करके ही रखने का, उसके वजह से क्या होता है आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी इसको ड्रेन कर लेता है। अगर आपको ज़रूरत है तभी ऑन कीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको बंद करके रखने का, आपकी बैटरी लाइफ बच सकती है, जबी ज़रूरत है तभी यूज़ कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं 7 चीज़ के बारे में, अवॉइडिंग वायरलेस रिवर्स चार्जिंग टू चार्ज योर अनदर डिवाइसेस, यानी कि ईयरबड्स अगर आपके पास है या फिर आप दूसरा फ़ोन यूज़ करते हो तो उसको रिवर्स चार्जिंग या फिर वायरलेस चार्जिंग की तरह यूज़ करना बंद कीजिएगा, वो आपकी बैटरी लाइफ को हार्म पहुँचा सकता है। बहुत सारे फ़ोन है ऐसे फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि रिवर्स चार्जिंग के साथ आते हैं। अगर आप अपना फ़ोन लोगे और उसके ऊपर अपना कौन सा भी डिवाइस रखोगे वायरलेस वाला, अगर फ़ोन भी रख दोगे ईयरबड्स रख दोगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी गलत बात है। फीचर्स तो काफ़ी अच्छा ही है लेकिन आपके बैटरी लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ये कंपनीज वगैरह नहीं बताती है लेकिन आपके बैटरी लाइफ को नुकसान हो सकता है। तो रिवर्स चार्जिंग वगैरह करना हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इमरजेंसी है तो इस फीचर को जो यूज़ कर सकते हो आप। चलिए अभी बात करते हैं 8 चीज़ के बारे में, और ये जो चीज़ है ये काफ़ी लोग करते होंगे, अनऑथोराइज जो होते हैं केबल्स, चार्जिंग केबल्स या फिर चार्जर जो है यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रांड के चार्जर्स और चार्जिंग केबल जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी अगर आपके पास अनऑथोराइज चार्जिंग केबल्स है या फिर चार्जर्स है जो कि ब्रांडेड नहीं है तो उसको अभी के अभी यूज़ करना जो है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है उस फ़ोन को जो हीटअप कर देते हैं, उस बैटरी को जो है हीटअप कर देते हैं ये जो चार्जर और अडेप्टर होते हैं, फेक होते हैं गाइस, ये कोई ब्रांडेड वगैरह नहीं होते, लोकल प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपके बैटरी बैकअप को जो है आपकी बैटरी लाइफ को काफ़ी हार्म पहुँचा सकते हैं। ब्रांडेड ही चार्जर्स और चार्जिंग केबल्स आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपका अडेप्टर ख़राब हो गया, चार्जिंग अडेप्टर, चार्जिंग केबल अगर ख़राब हो गया तो प्लीज़ सस्ते के चक्कर में ये सस्ते वाले फर्स्ट कॉपीज चार्जिंग चार्जर और केबल आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं 9 चीज़ के बारे में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी चीज़ करते होंगे, चीप क्वालिटी के पावर बैंक यूज़ करते होंगे जो कि काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, जो कि वो भी अनऑथोराइज होते हैं। अगर आप पावर बैंक यूज़ करते हो चीप क्वालिटी के तो अभी के अभी उसका यूज़ करना बंद कीजिएगा, की वजह से ये होगा ना जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, बैटरी लाइफ कम हो जाएगी गाइस। तो जो भी ब्रांडेड पावर बैंक आते हैं उसी को ही यूज़ कीजिएगा, शॉमी के आते हैं, रियल मी के आते हैं, सोनी वगैरह बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो कि अच्छे पावर बैंक बनाते हैं, तो ब्रांडेड ही पावर बैंक आप यूज़ कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अभी आखिरी चीज़ के बारे में, जो कि है डिलीट ऐप्स जो कि आप यूज़ नहीं करते हो। अगर आप कुछ ऐप होते हैं मोबाइल के अंदर जो कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपका कोई भी यूज़ नहीं होता है उसके साथ, तो उसको प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए उस ऐप को। तो आपको जो भी ऐप की ज़रूरत है वही उसी ऐप को आप फ़ोन में रख सकते हो। अगर आपके पास फालतू ऐप है अगर फ़ोन के अंदर तो उसको डिलीट कर दीजिएगा वो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में जो ऐप को आप वैसे ही ओपन करके रख देते हो तो उसको प्लीज़ रिफ्रेश कीजिएगा, उसकी वजह से भी आपके बैटरी लाइफ को नुकसान हो सकता है। अगर बैकग्राउंड में ऐप है उसको भी रिफ्रेश कर दो, अगर फालतू के ऐप आपके फ़ोन में है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ़ोन के बैटरी लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। तो यही वो 10 बातें थी जो आपके बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए अगर मत जाना, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जय हिंद।